नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। यूपीएससी का एग्जाम आने वाला है 12 नवंबर से लेके, उसी के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और प्लस डेली 80 क्वेश्चन जो हम फ्री क्विज में करवा रहे थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 80 जो करवा रहे हैं हिंदी के और प्लस जीके मूल विधि संविधान के, वो तो करवाते ही जा रहे हैं, प्लस और भी कई सारी पिक्स शेयर करते जा रहे हैं। यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विस टेलीग्राम में चैनल है, एड्रेस आप डाल सकते हैं @यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विस, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री है, एक भी पैसा नहीं देना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, लगातार आपके लिए सपोर्ट है। लास्ट के 10 दिनों में लगातार इंपॉर्टेंट पिक्स और प्लस हिंदी, जो हिंदी 40 नंबर की आएगी यूपीएसआई वाली, उस पे फोकस करके 1 को 40 की क्विज चल रही है। प्लस उसके अलावा पूरे दिन भर आप अपडेट देखते रहिए इस चैनल पे, फ्री वाला चैनल एकदम, कई सारे अपडेट देते जाएंगे जो कि लास्ट के 8-9 दिन में मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज है। जो आप पढ़ लो, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब कुछ उसमें बताया जा रहा है। एक हमने यूपीएसआई प्लेलिस्ट भी बना दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसमें जितने वीडियो दिए हुए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। संविधान जीके के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई और कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। भैया क्विज डेली करते रहो, पिछले 3 महीने से करवा रहे हैं, पिछला भी बैकलॉग क्लियर कर लो और लगातार इस चैनल को फॉलो करके रखिए। तो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेन चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन रखिए। ये यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए चैनल बनाया गया, यहाँ पे फ्री क्विज पिक्स सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। लगातार आप इसमें फॉलो करते रहिए, मीडिया सेक्शन में पिक्स देते रहते हैं, क्विज देते रह रहे हैं, लगातार हो रहा है। आप देखिए लगातार अपडेट देते जा रहे हैं मूल विधि से रिलेटेड। जो टॉपिक आप बोल दोगे इस वीडियो के कमेंट में उस पर और बंपर रिवीजन करवाएंगे यहाँ पे। दोस्तों आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, बहुत समीप है और आप निरंतर तैयारी कर रहे होंगे, इसकी उम्मीद है और करनी भी चाहिए। आपको चयन हासिल करना है। यहाँ प्रैक्टिस चल रही थी, वीडियो सीरीज लगातार चल रही है, कई सारे वीडियोस आपने देखे हैं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं और ये हिंदी का प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य इसमें से अलग कर दीजिए और बताइए कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी गलत सेंटेंस की आपको तलाश करनी है। अब इसमें आप देखें कि कौन सा वाक्य हो सकता है। मेरा चिट्ठी आया है पहला वाक्य, दूसरा वाक्य ये है कि बच्चे लाइन में जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे, कतार में जाएंगे या लाइन में जाएंगे। लड़के घर में आराम कर रहे हैं, कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं, घर में निखट्टू पड़े हैं, आराम कर रहे हैं, और राम घर पर है। अब इसमें बाकी जितने सेंटेंस हैं वो तुलनात्मक रूप से थोड़े से सही है, लेकिन ये जो पहला वाला है ये सरासर गलत दिखाई दे रहा है। मेरी चिट्ठी आई, चिट्ठी जो है वो क्या है, यहां आप देखें चिट्ठी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो उसी के हिसाब से वाक्य की संरचना होगी, ठीक है। मेरी चिट्ठी आई है ये शुद्ध वाक्य होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया कि अशुद्ध वाक्य इसमें भी तलाशी है और इसका जो करेक्ट आंसर है, यहां पहले वाक्य तो देख लीजिए, बच्चा स्कूल नहीं जाएगी, बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाएगी, और रोगी उठ बैठ सकता है, यानी एकदम धराशायी नहीं है। यह काम कर दीजिए बहुत आसान होगा आपका, और वाह क्या सुंदर दृश्य है। ये जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है ना, यहाँ थोड़ा सा आपको अचंभे का या जो उल्लास का भाव है वो दर्शाना होता है, या शोक का भाव है तो शोक का भाव दर्शाना होता है। खैर अब इसमें आप वाक्य की संरचना को देखिए। एक चीज और है कि जब आपसे वर्तनी और वाक्य शुद्धि के बारे में बात की जाती है तो दोनों दो चीजें हैं। हाँ ये सत्य है कि वर्तनी का भी वाक्य शुद्धि में महत्व होता है, लेकिन वाक्य की संरचना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वाक्य कौन सा शुद्ध है, और अगर पूछा जा रहा है कि वर्तनी कौन सी शुद्ध है, तब आप जाकर जो मात्रा और वर्तनी संबंधी दोष है उसकी तलाश कीजिएगा। इसीलिए जब वाक्य ढूंढने को कहा जाए तो वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसको पहले देखिएगा। फिलहाल अब इसमें आप बताइए, देखकर मालूम हो रहा है कि कौन सा गलत है। बच्चा स्कूल नहीं जाएगा ना कि नहीं जाएगी, बच्चा जो शब्द है ये पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग, बाकी जितने हैं वो सही है। इसके बाद तो इसमें हमने देखा कि पहला वाक्य जो है वो अशुद्ध है। इसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न में कहा गया कि अशुद्ध वाक्य यहां भी तलाशी है। अब गलत ही आपको तलाशना है, इसका मतलब है कि 3 सेंटेंस सही है तो उनकी भी संरचना आप देख सकते हैं। देखिए वाक्य कोई भी अशुद्ध है या नहीं, पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि उसका क्रम कैसा है, क्रम विन्यास ठीक ठाक है या नहीं। अगर क्रम विन्यास गड़बड़ है तो पहली अशुद्धि तो वही है। अब इसके बाद देखिए इसमें कहा गया यह काम कर दीजिए, पीछे भी आपने इस वाक्य को देखा था, क्या आज स्कूल में छुट्टी है सब। इसके बाद जो तीसरा वाला वाक्य है उसको देखिए, अभी बाजार से फल लाओ, तुरंत लाओ मतलब अभी लाओ, सीता गा रहा है। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये 3 वाक्य जो है इसमें भी बहुत ज्यादा शुद्धि नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें त्रुटियां हैं, लेकिन उनको यहाँ निग्लेक्ट करना है, नजरअंदाज करना है। वजह यह है कि आपको 4 में से कोई एक चुनना तो है ही है, तो जो डी वाला है वो सबसे ज्यादा गलत है, और जो सबसे ज्यादा गलत है वही इसमें चुनेंगे, सीता गा रही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तलाशिए। तो श्याम दूध पी रहा है, ठीक है। पहला, मैं भागते भागते थक गया, वह मेहनत करता तो पास हो जाता लेकिन उसने मेहनत नहीं की।
ठीक, और अच्छी वर्षा से अच्छा फसल होता है। अब आप सोच कर देखिए कि फसल जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, और इसीलिए यहाँ पर अच्छा नहीं बल्कि अच्छी होना चाहिए। तो अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है, ऐसा होना चाहिए था, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, क्योंकि हमें गलत चाहिए था। इसके बाद अगले वाले को देखिए, अब यहाँ पर शुद्ध तलाशना है, यहाँ गलत नहीं बल्कि जो सही है उसकी तलाश करनी है। तो मैं दूध पीकर सोई गई, ये वाक्य है, ठीक है। वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है। मैंने घर पहुंचकर सभी बच्चों को खेलते हुए देखी, और स्वास्थ्य ठीक न होने से मैं काशी नहीं जा सका। अब ये पूरा सेंटेंस का ढांचा है, आप देखें इसमें से कौन सा सही है। अब यहां सही की तलाश करनी, और इसमें अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, स्वास्थ्य ठीक न होने से या न होने की वजह से चलेगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है। मैं काशी नहीं जा सका, ये वाक्य ठीक है, बाकी जितने हैं वो गलत है। मैं दूध पीकर सो गया, और इसके बाद देख लीजिए, या सो गई, दोनों हो सकता है, लेकिन यहां लिखने का तरीका गलत है। वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है, वह पढ़ने के यहाँ ढ होना चाहिए था, ठीक है। वाक्य की संरचना देखने के बाद ही वर्तनी को देखिएगा, वाक्य शुद्धि अगर पूछी जा रही है। मैंने घर पहुंचकर सब बच्चों को खेलते हुए देखी नहीं बल्कि देखा, तो इसका डी वाला सही है। इसके बाद छठवें को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कि सम उपसर्ग का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय भी आपके कोर्स में है, मतलब सिलेबस में है, और उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो कि किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, मतलब उसके आगे शुरुआत में जोड़े जाते हैं, और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, या तो उसके प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं, प्रभाव में कमी भी कर सकते हैं, हालांकि प्रभाव घटाने का काम ये प्रत्यय करते हैं। और उपसर्ग की सहायता से हम विलोम भी बना सकते हैं, विलोम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो आप इसमें से देखकर बताइए कि सम उपसर्ग किसमें नहीं पाया जाता है। और यहाँ जो सेंटेंस, माफ कीजिएगा, शब्द दे रखे हैं, जैसे कि संगम है, संगम का मतलब क्या होता है, मेल जोल, मिलाप, और संस्कार है, संकल्प है, और स्वागत है, सम उपसर्ग किसमें नहीं लगा है, ये प्रश्न देखिएगा। और इसे अगर देखा जाए तो इसमें जो लास्ट वाला है, स्वागत, गत मतलब होता है जाना, किसी के यहाँ जाना, और उसका स्व मतलब खुद से स्वागत करना, तो यहाँ जो स्व उपसर्ग है वो इस्तेमाल हुआ है। कुल मिलाकर उपसर्ग हमें तलाशना था, यहाँ स्व उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है, बाकी सभी में सम उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ आप संगम जो देख रहे हैं वो सन नहीं है, सम है, ठीक है, वहां भी सम उपसर्ग ही इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार से संस्कार में भी वही है, सम कार, मतलब इस प्रकार से चीजें। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, सातवां, निम्नलिखित जो शब्द दिए हैं उसमें से सु उपसर्ग कहाँ पर नहीं पाया जाता है वो आपको बताना है। तो सुशासन साफ साफ दिख रहा है, स्वागत, स्वयं, और समावेश। एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ देखिए स्वागत जो है ना, इसमें सु प्लस आगत होता है, इसका जो संधि विच्छेद है, थोड़ा सा बोलने में वहां गड़बड़ हुई, माफी चाहूंगी, ठीक है। सु प्लस आगत, सु मतलब सुंदर, व्यवस्थित, सु उपसर्ग कहीं भी जुड़ता है तो उसे बेहतर बना देता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, अब यहाँ हम लोग वही देख रहे थे, तो सु उपसर्ग किसमें नहीं है वो आपको बताना है। अब देख लीजिए इसमें कौन सा होगा, सुशासन है, स्वागत है, स्वयं है, और समावेश है, कौन सा होना चाहिए जहां पर सु उपसर्ग का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये डी वाला होगा, समावेश, यहाँ पर सम उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, ना कि सु उपसर्ग का, बाकी जितने हैं सब में वही सु उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, प्रति उपसर्ग का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो प्रतिघात, घात मूल शब्द है, और उसके साथ आपने जोड़ लिया प्रतिघात, यानी प्रतिक्रिया, बदले में वार जो किया जाता है उसको कहा जाता है प्रत्युष, प्रति उपसर्ग इसमें इस्तेमाल हुआ है। प्रत्युपदेश, इसमें भी प्रति उपसर्ग जो है वो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन परिच्छेद ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें परि उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, और यही नहीं होगा इसमें से, तो इसको आप चुन लीजिए, डी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, पूर्व निश्चित, यानी जो पहले से डिसाइड हो, निश्चित हो। अब इसमें उपसर्ग आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसमें निश्चित एक अलग शब्द है, ठीक है, और पूर्व एक अलग शब्द है, दोनों को जोड़कर एक संयुक्त शब्द बनाया गया जिसका एक अलग अर्थ हो गया। तो पूर्व यहाँ उपसर्ग का काम कर रहा है, पूर्व, ठीक है, तो नौवे का ए वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, परोपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो उपकार मूल शब्द है ये आप जानते हैं, और उसके साथ पर आपने जोड़ दिया, तो पर उपसर्ग लगेगा, परो नहीं लगेगा, वो तो संधि जब आप करते हैं ना तो संधि के नियम वहां काम करते हैं, तो मात्राओं में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यहां लगेगा पर उपसर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, ए वाला होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रभुता, प्रभुता, ठीक है, अब ये जो शब्द है इसमें प्रत्यय आपको बताना है, यहाँ उपसर्ग नहीं है, यहाँ प्रत्यय, तो प्रभु जो है ये मूल शब्द है, और उसके साथ आपने जोड़ दिया ता, तो इसमें जो ता प्रत्यय है वो कहां पर दिखाई दे रहा है, डी वाले में है, तो प्रभुता जो है शब्द बन गया। अगला शब्द है, यहां आप देखें ये प्रत्यय उपसर्ग वाले जो प्रश्न है ना, ये कभी कभी परेशान कर देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, कात्यायन, कात्यायन
कात्यायन एक ऋषि का नाम था, ठीक है, और उन्हीं के वंश में या उन्हीं के घर में देवी दुर्गा का एक अवतार जन्म लेता है, तो उन्हें देवी कात्यायनी कहा जाता है। वो कात्यायन ऋषि की पुत्री थी। अब इसमें आपको ये बताना है कि कात्यायन जो शब्द है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द गढ़ा गया है, तो वो प्रत्यय कौन सा है, बस इतना बता दीजिए। देखिए इसमें का दिया है, आयन दिया है, यन दिया है और यायन दिया है, बताइए इसमें से कौन सा प्रत्यय हो सकता है। तो का तो प्रत्यय होगा नहीं, वो तो शुरुआत में लगा है, बाकी तीन जो है उनको देखिएगा। और ये जो प्रश्न है 12वां, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आयन प्रत्यय लगा है, ठीक है। कति जो है ये मूल शब्द है और उसके साथ आपने आयन जोड़ दिया तो बन गया कात्यायन। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ठकुराइन। अब इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो आप जानते हैं आइन, ठीक है, आइन लगेगा लास्ट में। इसके बाद आगे चलते हैं, जैसे हलवाइन, ठकुराइन और मस्टराइन, इस प्रकार का लोग बोलते हैं तो आइन लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद देवरानी, ठीक है, देवरानी, देवर की जो पत्नी है वो देवरानी। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा प्रत्यय लगेगा, रानी लगेगा, आनी लगेगा, नी लगेगा या कुछ नहीं लगेगा, 14वां। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, आनी, देवर में आपने आनी प्रत्यय जोड़ा तो बन गया देवरानी। इसके बाद अगले वाले यानी 15वें को देखिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ठीक है, तो ये तो हो गई चौपाई। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा अलंकार है, ठीक, अलंकार बताइए। तो रघुपति राघव राजा राम, र जो वर्ण है उसका बार बार इसमें दोहराव हो रहा है, और जब एक ही वर्ण का बार बार दोहराव होता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, सिंपल भैया, अनुप्रास अलंकार होता है। अरे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, तो उसी प्रकार का तो ये है, र बार बार रिपीट हुआ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, देखिए, झूम झूम मृदु गरज 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 घनघोर, ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो बादल ऐसा काम करते हैं भाई, झूमते हैं मोटे मोटे एकदम काले काले और गरजते हैं फिर घनघोर, तो आप बताइए कि इसमें अलंकार कौन सा है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है अभी बताते हैं, और अन्योक्ति अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है या रूपक अलंकार है, आप इसमें से चुनिए जरा। देखिए तो देखिए 16वां जो है ना, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, और एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति तो यमक में भी होती है, ठीक है, लेकिन यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में थोड़ा सा फर्क होता है, यहाँ अनावश्यक रूप से आवृत्ति होती है और यमक में आवश्यक रूप से, मतलब वो वाक्य की आवश्यकता होती है तो उसे रिपीट किया जाता है। आपको टोनी कक्कड़ के गाने सुनने चाहिए, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आपको बहुत ही भरपूर मात्रा में दिखाई देगा, एक ही शब्द 2500 बार लिखते हैं, स्क्रिप्ट गायब रहती। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 17, मेघमय आसमान से या आकाश से, जो मान लीजिए, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अब इस वाक्य में कौन सा अलंकार है आप बताइए, इसमें भी शब्द रिपीट हो रहा है लेकिन जो शुरुआती है उसको भी ध्यान दीजिएगा। रूपक अलंकार है, मानवीकरण है, किसी जड़ वस्तु का या जो जीवन रहित वस्तु है उसको मानव की संज्ञा देकर उसको मानव की तरह ट्रीट करे अगर कवि, तो वहां मानवीकरण होता है, और भी कई सारे पहचान के तरीके। अनियोक्ति अलंकार है या फिर पुनरुक्ति फिर से आ गया, आप देखकर बताएं। और ये जो 17 है ना, इसका भी करेक्ट आंसर यहां देखिए, पहले मानवीकरण, पुनरुक्ति हो सकता था लेकिन उसका इतना इसमें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं। शुरुआत में ये कहा गया कि संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे उतर रही है, मतलब संध्या जो है वो एक निर्जीव वस्तु है, वो एक समय का नाम है ना, मतलब शाम का जो समय है उसको कहा जाता है, उसमें जीवन तो होता नहीं है, लेकिन उसको एक परी की संज्ञा दी गई, मतलब एक जीवित चीज की संज्ञा दी गई, और इसीलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 में आपसे कहा गया कि जिस दिन देखे थे वे कुसुम गई सुबीति बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, ये है दो पंक्तियां। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा अलंकार है, अनियोक्ति है, पुनरुक्ति है, मानवीकरण है या अतिशयोक्ति हो गई है। अतिशयोक्ति मतलब जहां एकदम अति कर दी जाए, जो मानने योग्य गले से नीचे ना उतरने वाली बात है वो कह दी जाए। अब इसमें आप बताइए, तो इसमें हो जाएगा अनियोक्ति, ये अनियोक्ति अलंकार। 19वें को देखिए, कहा जा रहा है कि शशिमुख पर घूंघट डाले, घूंघट होना चाहिए था यहां बड़े की मात्रा, शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में द्वीप छिपाए, इसमें कौन सा अलंकार है। जो 4 विकल्प दिए हैं उन्हें देखिए, रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति है, यमक है और अनुप्रास है, और ये जो 19वां है इसका करेक्ट आंसर रूपक हो जाएगा, यहाँ रूपक अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। अब इतनी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगले वाले को देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, ठीक, ये है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है, अनियोक्ति है, पुनरुक्ति है, रूपक है या फिर अतिशयोक्ति हो गई। और 20वां जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, अतिशयोक्ति हो गया है भाई,
कोई भी नगरी कैसे गगन में जा सकती है, अति यहाँ कर दी गई है ना। मतलब ये हो नहीं सकता कि आप किसी शहर को उठाकर आसमान में पहुंचा दीजिए कि वो अमरावती जा रहा है, ऐसा नहीं। तो इसमें अतिशयोक्ति यानी जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है, डी वाला यहाँ छिपा हुआ है। अब देखिए अगले प्रश्न को, 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, स्त्रीलिंग जो नहीं है वो आपको तलाशना है और यहाँ पर दिया है पानी, कुर्सी, गाय, सड़क। अब इसमें आप बताइए, तो सड़क पर, सड़क जो है वो चलती है, सड़क बनाई जाती है, मतलब ये स्त्रीलिंग है। पानी पिया जाता है, पानी पी नहीं जाती है या पानी को गिराई नहीं जाती है बल्कि गिराया जाता है। तो इसमें जो ए वाला है वो पुल्लिंग है, बाकी जितने हैं, कुर्सी तोड़ी जाती है, कुर्सी हथियाई जाती है, गाय पाली जाती है, गाय दूही जाती है और गाय का शोषण भी किया जाता है आजकल। ठीक है, तो ये सब है, इसमें पानी हो जाएगा जो कि पुल्लिंग है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, स्त्रीलिंग जो न हो अर्थात पुल्लिंग हो, कुछ नपुंसक लिंग भी होते हैं तो उनको जाने दीजिए। देखिए, मेज, बहन, मकान और किताब। अब इसमें आप बताइए, देखिए 22वां जो आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी वाला हो जाएगा, मकान। मकान एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठीक, मेज, बहन, हालांकि मेज जो है ये पुल्लिंग में भी इस्तेमाल होता है, स्त्रीलिंग में भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, पुल्लिंग में भी। तो यहां थोड़ा सा संशय है, लेकिन इसमें जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो मकान होगा, मकान बनवाया जाता है, मकान बनवाई नहीं जाती। इसके बाद अगले वाले को देखिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ताला, रानी, बुढ़िया और बछिया। पुल्लिंग आपको तलाशना है, तो ताला लगाया जाता है, ताला लगाई नहीं जाती है, ताला तोड़ा जाता है ना कि तोड़ी जाती है, तो ऊपर वाला। इसको किसी वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहां भी जो पीछे वाला है ना, इसमें जरा सुधार कर लीजिए, दोनों जो है ये दोनों स्त्रीलिंग नहीं है, मेज रखा जाता है, मेज रखी नहीं जाती है, तो इसको आप पुल्लिंग ही समझिए। ठीक, और मकान तो होगा ही, तो दो इसमें सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न 24 में भी कहा गया कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है, तो गति होती है, मतलब गति कर रहा है, गतिमान है। इसके बाद कमरा है, छत है, मच्छरदानी। अब इसमें से आपको क्या करना था, इसमें से पुल्लिंग ढूंढना था, बताइए 24वां। और 24वें का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, कमरा। कमरा खुला है, कमरा बड़ा है, कमरा छोटा है। ठीक है, कमरा ठसाठस भरा हुआ है इस प्रकार से। इसके बाद 25वें को देखते हैं, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द कौन सा है। अब ये आपको बताना है, थोड़ा सा ना यूपीएसआई का जो हिंदी वाला पोर्शन है बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस इतना डाइवर्सिटी वाला है, विविधता ज्यादा है, हर एक टॉपिक को शामिल किया गया है, तो प्रश्न कैसा पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता, तो हम सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि वहां गलतियां ना हो। अब देखिए, पानी दिया है, माता दिया है, बहन दिया है और लड़की दिया है, बताइए बहुवचन कौन सा है, बाकी सब एक वचन है। और 25वां जो है ना, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पानी। पानी बहुवचन है, मतलब ये एक वचन बहुवचन में ऐसे ही रहता है, हम ये नहीं कहते कि पानियों पानियों ले आइए, पानी ले आइए, वो जितना भी गिलास में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 26वां, संविधान। संविधान का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो संविधान, ठीक है यही होगा, सम उपसर्ग लगेगा, समान विधान जो सबके लिए हो वही है संविधान, और इसीलिए 26 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यहाँ सम उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद 27 को देखिए, कहा जा रहा है कि स्वेच्छा, स्वेच्छा जो है इसका संधि विच्छेद आपको करना है, तो स्व इच्छा, ठीक है अपनी इच्छा, स्वेच्छा से हम काम कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो ऊपर वाला सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट, जगदीश, भगवान विष्णु का पर्यायवाची। अब इसमें बताइए, जगत ईश मतलब पूरे संसार के भगवान, ईश, तो जग ईश होगा, जगत ईश होगा, जगत ईश होगा, मतलब जगत दीश यहां लिखा हुआ है और जगदीश, तो इसमें आप देखकर बताएं, नीचे वाले तो दोनों बेकार हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है, इसमें से आप देखिए कौन सा होगा। और 28 का बी हो जाएगा, जगत ईश, जो जगत के भगवान है। अब यहां त के साथ ना ये हलंत भी लगेगा, अगर ना लगा हो तो मत चुनिएगा। ठीक, तो इसका बी वाला है, बी वाले को हमने चुना। और उसके बाद 29 की ओर चलते हैं, 29 में कहा गया कि अयादि संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है। भाई संधि को एक बार देख लीजिएगा, दीर्घ संधि या जो भी संधि के भेद है सभी एक बार थोड़ा सा सरसरे तौर पर देख लीजिएगा ताकि वहां आप पहचान सके। अब इसमें व्याप्त दिया है, हरिश्चंद्र दिया है, पावक दिया है और उज्ज्वल दिया है, बताइए अयादि संधि किसमें इस्तेमाल हुई है, प्रश्न संख्या 29। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, पावक। पावक किसको कहा जाता है, अग्नि को कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला वाला, यण संधि का उदाहरण कौन सा है, इत्यादि दिया है, अन्याय अन्यान्य दिया हुआ है, यहां पर शब्द है, मनोहर है, ठीक है और सदाचार है। यण संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो ऊपर वाला ही है, इति प्लस आदि होता है इत्यादि, तो ये वाला जो है ये क्या है, यण संधि है। संधि के सूत्र होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा, स्वर्ग प्राप्त, सिर्फ सूत्र पढ़ लीजिएगा उतने से काम हो जाएगा, पूरा पोथा उलटने की आवश्यकता नहीं। स्वर्ग प्राप्त शब्द में कौन सा समास है, अब इसमें आप देखिए, तत्पुरुष दिया है, अव्ययी भाव दिया है, द्वंद दिया है और कर्मधारय दिया है,
शब्द क्या है? स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त। ठीक, अब बताइए तो 31st का जो करेक्ट आंसर है वो तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष है इसमें। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 32। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? लाजवाब है, मदांध है, सभा मंडल है और रसोई घर है, इसमें से कौन सा होगा? और 32 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें लाजवाब हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, लाजवाब। इसके बाद लाजवाब, जवाब एक अलग शब्द है, ला उसके साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। 33 को देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें से नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? घटबड़, यश अपयश, बहु बेटी, बहुसंख्यक, बताइए। इसमें सरल है, चुनना आसान है। और 33 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बहुसंख्यक हो जाएगा, बहुत हो संख्या जिनकी, इस प्रकार से इसका विच्छेद होगा, समास विग्रह करेंगे, बहुत हो संख्या जिनकी। तो आप बताइए कि ये द्वंद्व तो नहीं है, अब ये कौन सा समास है? इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 में कहा गया कि कर्मधारय समास इसमें से कौन सा है, बताइए। तो नेत्रहीन, नेत्र से हीन, न्यायालय, न्याय का आलय, नवागंतुक, मतलब नव है जो आगंतुक या नया है जो आगंतुक, आने वाला। इसके बाद देखिए पत्रोत्तर, यानी पत्र का उत्तर, अब इसमें से आप बताइए कर्मधारय कौन सा है? तो 34 का सी वाला हो जाएगा, नया है जो आगंतुक, वो क्या है? नवागंतुक है, और उसको हम कर्मधारय में डालेंगे। इसके बाद अगले वाले यानी 35 को देखिए, द्विगु समास का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो हरफन मौला, जो कि हर चीज को कर सकता है, हर चीज में दक्ष है, निपुण है, उसको ऑलराउंडर कहा जाता है। तो हरफन मौला, पंचरात्र यानी पांच रात्रियां, और गौरी शंकर मतलब माता पार्वती और भगवान शिव, सद्भावना, बताइए इसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा द्विगु समास है? और 35 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, पंचरात्र। ठीक, पंचरात्र, पांच रात्रि। इसके बाद अगले वाले को देखिए, फल का अनेकार्थी नहीं है, परिणाम, फल शब्द का कई सारा अर्थ होता है, एक तो पेड़ पर पकने वाला फल, उसके अलावा कहते हैं कि परीक्षा फल है। ठीक, तो इस प्रकार से परिणाम, प्रभाव, हल्का और रसयुक्त, तो इसमें अगर देखा जाए बाकी जितने शब्द हैं वो अनेकार्थी होंगे, लेकिन जो इसका सी वाला है ना, हल्का, फल का मतलब हल्का कहीं नहीं होता है, तो इसका जो सी वाला है वो आपने चुना। इसके बाद 37 को देखिए, इस प्रश्न में कहा गया कि वर का अनेकार्थी नहीं है, श्रेष्ठ, वरदान, पति और सुवर्ण, तो वर जो है ये सुवर्ण यानी सोने को नहीं कहा जाता है, बाकी जितना है श्रेष्ठ, वरदान, पति, ये सब जो है ये वर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसके बाद 38 को देखिए, नौका जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ किससे मैच कर रहा है? तरणी से मैच कर रहा है, तरुण से मैच कर रहा है, या यहां आप देखें तरण से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है? तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो तरणी हो जाएगा। ठीक, अब ये आप देख रहे हैं, अब असल में यहां पर ये अड़ा पे जो मात्रा लगी है ना, ये ऐसे होगी, तरणी, जो तारे यानी पार उतारे, अगर आप छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये जानते हैं फिर क्या हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा, तरणी, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो वहां तरणी तनुजा मतलब क्या, सूर्य की पुत्री यानी तनुजा अर्थात जो उनकी पुत्री है, मतलब यमुना की बात हो रही है, तो वो अलग चीज हो गई, यहां पर बड़ी की मात्रा होगी, फिलहाल यही है। इसके बाद 39 को देखते हैं, चंद्रमा शंख कपूर के शब्द के अनेकार्थी हैं, बताइए, अब्ज के हैं, अच्युत के हैं, अनंता के हैं या फिर आकार के हैं, इसमें से आप देखें, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब्ज, अब्ज शब्द के अनेकार्थी हैं, हिंदी थोड़ी गुच्छेदार होती है, उसमें घुमाव होता है, एक शब्द के बहुतेरे अर्थ हो सकते हैं, अंग्रेजी से ज्यादा इसका विस्तार है, तो यहां भ्रम की स्थिति होती है, इसीलिए रिविजन आवश्यक है। इसके बाद 40 को देखिए, 40 में यानी 40वें में कहा गया कि अगला शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो आगे, आगामी, सामने का या फिर दुविधा, तो दुविधा नहीं होगा, दुविधा इससे एकदम बाहर है, वो देखकर मालूम हो रहा है, तो यहां तक हमने इसे हल किया है।